वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। लेट्स गो टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 3:5:9:13। सो फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। सो लेट्स गो टू ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्वाड्रिलेटरल। लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। आई डिड हियर लेट ए B C D is a quadrilateral. A B C D is a quadrilateral. So first of all is given here that measurement of an angle. So given that the quadrilaterals are in the ratio that measurement of angles of a quadrilateral in the ratio, what's given? That is given 3:5:9:13. So we have to find the measurement of the angles. So let's go to know that. Let the angles be. What you can let it? यानी दशमलव यानी इज इक्वल टू के जगह पर हम इसको मान लेंगे दैट इज 3x मान ले 5x 9x और 13x। हमने ये चारों एंगल का मेजरमेंट मान लिया 3x 5x 9x और 13x। सो हम जानते हैं लिखेंगे चूंकि सिंस क्या जानते हैं दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सम वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो वी कैन से दैट चूंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। तो हम क्या ले सकते हैं चूंकि हमने माना ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल माना है तो इसीलिए हमने क्या किया लेट द एंगल बी 3x। सो वी कैन से दैट एंगल ए अगर हमने ए बी सी डी माना है तो इसमें ले सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी सी एंड प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमको 360 डिग्री मांगना है तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं एंगल यानी बाय यहाँ लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल से जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ क्या होता है 360 डिग्री होता है। इसलिए इसका कोण का मेजरमेंट जो दिए हुआ है उसको हम पुट करेंगे तो ए का वैल्यू मान लेते हैं हम 3x डिग्री मान लेते हैं 3x डिग्री प्लस बी का वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे 5x डिग्री सी का ले लेते हैं 9x डिग्री और इसका ले लेते हैं डिग्री छोड़ देते हैं अब ले लेते हैं इसका 13x दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम इसको जोड़ेंगे 3, 5, 8, 9, 17 एंड 13 30x तो 30x बराबर हो गया 360। सो द x इज इक्वल टू 360 / 30 काट देंगे तो कितना हो गया 12। तो x का वैल्यू हो गया 12। सो द एंगल्स आर अब एंगल्स का मेजरमेंट करेंगे तो पहला है कितना 3x यानी 3x यानी हो गया 3 × x का वैल्यू निकला 12 यानी हो गया 36 डिग्री। ठीक है एंगल दूसरा एंगल है आपका 5x यानी 5 × 12 मीन्स 60 डिग्री। तीसरा एंगल है 9x यानी 9 × 12 108 डिग्री बिकॉज ऑफ इफ यू मल्टीप्लाई 9 12 9 108 डिग्री। एंड द फोर्थ इज 13x यानी 13 × 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 × 3 = 36 कैरी 3 12 × 3 = 15 156 डिग्री। तो ये हमारा चार एंगल का मेजरमेंट हो गया। हम इसको मान सकते हैं 36 डिग्री इसको मान सकते हैं हम 60 डिग्री इसको मान सकते हैं हम 108 डिग्री और इसको मान सकते हैं 156 डिग्री। ये चारों कोण का एंगल्स का माप हमारा निकल गया। ठीक है सो दिस इज द एंगल मेजरमेंट वी फाउंड क्वेश्चन नंबर वन। लेट्स गो टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन टू इज सेइंग द
that if the diagonal of a parallelogram are equal, so that it is a rectangle. यानी एक parallelogram है जिसका diagonals equal है. तो suppose that मैंने एक बनाया diagonal. जैसे मान ले parallelogram हम बना लिए. Suppose that this is the parallelogram हमने बनाया. नाम और इसके क्या कहते हैं कि डायगोनल जो है वो इक्वल, ये जो डायगोनल्स है हमने डायगोनल्स बना लिया इक्वल, देन हमको दिखाना है कि यह एक रेक्टेंगल है. सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेंगे. गिवन गिवन क्या है, दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. लिखेंगे दैट डायगोनल्स ऑफ अ ग्राम आर इक्वल. हमने मान लिया ये दिए हुआ है. सो वी हैव टू शो, तो वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव करना है दैट, हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज, यानी दैट करना है कि दैट इज अ रेक्टेंगल. तो जिस पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल है तो हमें यह दिखाना है कि वह डायगोनल जो है वह रेक्टेंगल है. तो हम मान लेंगे लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. हमने मान लिया ए बी सी डी पैरेललोग्राम, इसमें वेयर ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल्स. ठीक है, तो ये टू डायगोनल्स. अब हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने ए बी और सी किया, जैसे हमने टू डायगोनल्स बी डी और ए सी को ड्रॉ किया, नाउ वी गॉट देयर, नाउ त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी एवं एंड ट्राइंगल ए डी बी. इन ट्राइंगल मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी एंड ट्रिवल ए डी बी में, यानी ए बी सी और ए डी बी, इस दोनों ट्राइंगल में हम देख सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया आ रही है. तो इसमें ए बी इज कॉमन इन बोथ एंड बी सी एंड डी ए, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा कि बी सी इज इक्वल टू ए डी साइड ऑफ साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल हो गया ये साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम. उसके बाद ये हुआ है कि बी डी बराबर ए सी डायगोनल्स, और ये गिवन है डायगोनल्स इक्वल है. और दूसरा देखिए ए बी जो है वो तीनों में दोनों में आ रहा है, ए बी बराबर ए बी दैट इज कॉमन. तो अब दोनों ट्राइंगल मिल सकते हैं, तो बाई एस 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 क्राइटेरिया तीनों साइड बराबर है, तो साइड एंगल साइड 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 क्राइटेरिया से क्या लिख सकते हैं, अगर साइड 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 क्राइटेरिया को देख लेंगे तो लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए डी बी. अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब दोनों के एंगल भी बराबर होंगे. तो हम लिख सकते हैं, हाँ लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी दैट इक्वल टू एंगल व्हाट हैपेंड बी ए डी बी ए टी, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे. क्वेश्चन वन मोर, ठीक है. लेकिन यहां देखिए, अब हमने क्या किया कि ये ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल दो बराबर है, बट लेकिन क्या होगा कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ए डी दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों आएगा, बिकॉज ये जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. यानी पैरेललोग्राम का ये दोनों जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर है,
तो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर का क्या होता है, सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि ए बी सी प्लस डी ए डी दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ ए बी सी बराबर है बी ए डी के। तो अगर हम ए बी सी बी के जगह पे बी ए डी या बी ए डी के जगह पे हम ए बी सी रख दें तो सो क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, हम इक्वेशन वन से अगर हम इसका वैल्यू रख दें तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन वन अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाता है कितना, ये हो जाएगा द एंगल ए बी सी तो रहेगा प्लस एंगल बी ए डी, यहाँ बी ए डी इज इक्वल टू ए बी सी, यहाँ भी एंगल लिख सकते हैं ए बी सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हो गया कि टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 बाय 2 यानी 90 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं कि यह पैरेललोग्राम हुज वन एंगल, यानी इसका एंगल जो मेजर है वो क्या है 90 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो इट इज अ ग्राम हुज हुज क्या होगा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड मेजर ऑफ एंगल्स 90 डिग्री, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अगर ये दोनों 90-90 है इसका अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर दोनों चारों जो एंगल्स है वो मेजर 90 डिग्री है सो इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल का क्या होता है, वो अपोजिट साइड्स आर इक्वल और क्या होता है सारे एंगल्स का माप जो होता है 90 डिग्री होता है। सो इट इज अ रेक्टेंगल दैट वी हैव प्रूव्ड इट, ये हमने क्या किया तो प्रूव कर दिया। यह एक पैरेललोग्राम है जिसके क्या है सारे एंगल जो है 90 डिग्री मेजर का है, इसलिए यह एक रेक्टेंगल है। दैट्स प्रूव्ड इट। ओके।